राशिफल जानने का, क्योंकि सभी दर्शक बहुत ही उत्साह के साथ हमारा ये शो देखते हैं, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि उनका आज का दिन कैसा जाने वाला है। हालांकि समय थोड़ा कम बचा, तो संक्षेप में जरा सभी को आज उनकी राशिफल क्या कहती है बता दीजिए। देखिए आयुषी जी, प्रातःकाल उठते ही सभी के मन में ये आशा होती है कि आज का दिन हमारे लिए शुभ रहे या कुछ अनुचित ना हो, और जानने के बारे में बहुत ही उत्सुक रहते हैं। और इसी के साथ बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए। यदि आप किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं, तो आपका पार्टनर आपके साथ आपके स्वास्थ्य को लेकर आशंकित रह सकता है। ऐसे में उनको अपने विश्वास में लाएं और इन सब चीजों से दूर हो जाएं। और इसी के साथ बात करते हैं वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। आज आपको अपने ननिहाल पक्ष की ओर से कोई खुशखबरी मिल सकती है। आपका व्यवहार भी सभी के प्रति स्नेहपूर्वक रहेगा, जिससे सभी के मन में आपके प्रति लगाव और बढ़ेगा। और अब बात करते हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। परिवार में नई खुशी आएंगी, वह आप सभी के प्रति आशान्वित रहेंगे। आप कुछ नया करने का सोचेंगे, वह उसमें आपको अपने परिवार वालों का पूरा साथ भी मिलेगा। और अब बात करते हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। आज के दिन आपको अपने व्यवहार के साथ साथ कुछ नए क्षेत्र में निवेश करने की प्रेरणा मिलेगी। जिन्होंने भूमि या शेयर में निवेश किया हुआ है, उन्हें आज के दिन लाभ मिलने के संकेत मिलते हैं। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। आज सरकारी नौकरी कर रहे लोगों को राजनीतिक क्षेत्र के लोगों से चुनौती मिल सकती है। ऐसे में स्वयं पर विश्वास बनाए रखें, अपने मन के अनुसार कार्य करें। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। घर की कोई पुरानी जमीन पड़ी है, तो उसको बेचकर कुछ नया करने का विचार किया जा सकता है। इस बारे में सोच समझ करके ही कोई निर्णय लें, अन्यथा नुकसान की संभावना दिखाई देती है। और अब बात करते हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। आज निजी क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के लिए आज का दिन शुभ संकेत लेकर के आ रहा है। आपको अपने कार्य क्षेत्र में आनंद आएगा, वह सभी का भरपूर साथ आपको प्राप्त होगा। और अब इसी के साथ बात करते हैं अगली राशि वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। आज स्कूल में पढ़ रहे छात्र छात्राओं के लिए रचनात्मक कार्य करेंगे, तो आपको आगे चलकर उनके काम में लाभ मिलेगा। और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे बच्चों को अपने लिए नए अवसर प्राप्त होंगे, वह उन्हें सफलता मिलने की आज पूर्ण संभावना बनती है। ऐसे में अति आत्मविश्वासी ना बने, वह कोई भी निर्णय सोच समझ करके ही ले तो ठीक रहेगा। बात करते हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए। आज स्कूल में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को अपने अध्यापकों की ओर से मार्गदर्शन जो मिलेगा, वो भविष्य बन के लिए सहायक सिद्ध होगा। प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए आज का दिन नई चुनौतियों को लेकर के आएगा, जिसके द्वारा वो स्वयं को और निखार पाएंगे। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। आज विवाहित लोगों का अपने जीवन के साथ कुछ यादगार अनुभव रहेगा। आप अपने ससुराल पक्ष से भी भरपूर सहयोग आज मिलेगा, जिससे मन आनंदित रहेगा। और अब बात करते हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। आज यदि आप कॉलेज में हैं और किसी प्रोजेक्ट में फंसे हैं, तो आज के दिन किसी ऐसे व्यक्ति से सहायता मिलेगी जिससे आपकी बिल्कुल अपेक्षा नहीं थी। ऐसे में किसी को भी भला बुरा कहने से बचें और सभी का सम्मान करें तो ठीक रहेगा। और अब बात करते हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए। जो मीन राशि के विवाह के योग्य बच्चे हैं, विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन लोगों को आज के दिन कुछ रोमांचित अनुभव होगा, जिससे उनका मन आनंदित रहेगा। वहीं कुछ शादी विवाह की बात बनेगी। यदि आप पहले से किसी के प्रति आकर्षित हैं,
दोस्तों से आज के दिन अपने मन की बात उनसे कह दें तो शायद आपको लाभ की संभावना बनती है। यह है आज का हमारा अपना राशिफल। जी बिल्कुल पंडित जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रभात, सभी को शुभ आशीष। और इसी के साथ फिलहाल के लिए भाग्यफल में इतना ही। आप देखते रहिए जी राजस्थान।